हाय दोस्तों तो राइटना वह ना, ना हदगी का नक्षत्र चल रहा है हदगा मतलब कि जो बारिश जाते समय एकदम जोर जोर से जो बारिश लगती है ना उसको हदगी हदगा कहते हैं और राइट राइटना वही फ़िलहाल नक्षत्र चल रहा है तो आसमान को देख के लग रहा है जोर से बारिश होने वाली है लेकिन है ना हम लोगों ने आज क्या किए थे हम लोगों ने किचन में टाइल्स लगानी है इस वजह से हम लोगों ने रेती मंगाए हैं और साथ में फाड़ी भी मंगाए हैं तो वो रेती डालने के लिए आज आने वाला है तो मैंने जो मेरे पौधे हैं ना मैंने उनको निकाल के साइड में रख दिया ताकि मैं उनको बाद में लगा सकूँ क्योंकि जो रेती है वो यहीं पर डाली जाती है आंगन में तो पहले तो सुबह के टाइम पे फाड़ी आ गई हम लोगों ने टोटल तीस फाड़ी मंगाए मंगाई आंजिकन सी और फिर उसके बाद में रेती आया अभी जो ड्राइवर था ना वो नया नया था तो उसने क्या किया रेती उसने आधी आंगन में डाली और आधी ऊपर डाली हमें नॉर्मली जो रेती है ना वो सारी के सारी आंगन में आ जाती है किसी तरीके से अगर कोई एकदम एक्सपीरियंस ड्राइवर रहा तो लेकिन इसने ये जो था ना ड्राइवर वो पहली बार ही आया था तो उसने आधी रेती इस आंगन में डाला और आधी रेती ऊपर डाला था अब मैं क्या कर रही हूँ मैं ऊपर से जो जि, जितने भी रेती है ना उसको नीचे डाल रही हूँ क्योंकि एज ए सेट बिफोर के हदगी का नक्षत्र है तो बारिश आएंगी इसकी पूरी आशंकाएँ थी तो मैं क्या कर रही थी मैं यहाँ पर फावड़े की मदद से जो रेती है ना उसको नीचे डाल रही थी क्योंकि अगर ऐसा नहीं करती फिर बाद में बारिश वैसे भी लगी तो सारी रेती जो थी ना वो वेस्ट हो जाती और ये रेती काफ़ी भारी थी मतलब कि गीली थी ना इस वजह से बहुत ज़्यादा भारी थी तो मैं फावड़े की मदद से यहाँ पर ये जो जितनी भी रेती है ना उस सबको नीचे नीचे डाल रही थी तो मैंने अपना एक कप चाय बनाया और उसी के ज़रिए अच्छी खासी मुझे एनर्जी मिली और फिर मैं अपने काम पर लग गई और यहाँ पर मैंने सोचा यार मैं यहाँ पर अपना कैमरा रख देती हूँ मतलब मेरा फ़ोन रख देती हूँ और यहाँ से मुझे अच्छी फोटेज मिलेंगी यू कैन सी मुझे किस टाइप की यहाँ पर से फोटेज मिली है तो <laughs> मतलब कि फोकस नहीं कुछ नहीं छोड़ो यार कोई बात नहीं लेकिन फिर उसके बाद में ना बहुत तेज़ी से बारिश लगी जिसकी वजह से मैं भीग गई लेकिन मैंने बोला कि यार नहीं मैं अपना काम पूरा कंप्लीट करूंगी उसके बाद ही मैं जाऊंगी और फिर मैंने वैसे ही किया मैंने अपना काम कंप्लीट किया जितनी भी रेती थी ना मैंने सारी रेती नीचे डाली उसके बाद में बहुत ज़ोरों से बारिश हुई मैं कम्प्लीटली भीग गई लेकिन लकीली मेरा सारा काम हो गया तो दैट्स फाइन उसके बाद मेरी बहन ने ना मेरे लिए ये पार्सल भेजा था उसने ये ब्रश भेजा था बहुत सारे ब्रसल्स वाला कुछ तो यूनिक सा ब्रश था और फिर उसने जिज्जू के लिए भी कपड़े वगैरह भी भेजे थे तो थैंक यू फॉर दैट और ये बहुत प्यारी सी कुछ टॉप वगैरह भेजी थी एन यू कैन सी कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मतलब तो अभी तो कम हो गई थी लेकिन जब मैं ये कर रही थी ना तो बारिश बहुत ज्यादा तेज़ आ रही थी फिर है ना मैंने एक वर्कर को बुलाए और उनके जरिए है ना वो जो फाड़ी आपको दिख रही है उनको करने के लिए बोले पहले साइड साइड में लगाने के लिए बोले उन्होंने जब लगाए तब लकीली उनको बारिश उतनी नहीं मिली Uh, फिर दूसरे दिन उन्होंने आकर ये दूसरी जो थर है ना वो भी लगाए और मेरे बच्चे इसके अंदर खेलने के लिए कूद गए ऑब्वियसली मुझे लगा ही था कि ऐसे ही होने वाला है चलो कोई बात नहीं फिर शाम के टाइम पर है ना मेरा एक पार्सल आ गया था जो नीचे दुकान में दिख गया था डिलीवरी बॉय तो मैं शाम को वहाँ पर गई और शाम को मैंने पिक कर लिया और क्या सुंदर दिख रहा था आसमान माशाला से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यार ये जो मैंने टेबल पर मेरा वाइनल लगाया हुआ था ना वो फट गया मतलब उसका जो ऊपर का जो लेयर था ना वो पूरा पील ऑफ हो गया तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसको पूरा निकाल दूंगी और उसकी जगह पे नया वाला लगा दूँगी ये दिक्कत हो गई इसके साथ में लेकिन यार कोई बात नहीं मुझे ऐसा लगता है मैंने इससे अच्छा खासा काम निकलवाया क्योंकि मुझे वीडियोस वग़ैरह मेनली शूट करने थे और इस वाइनल की वजह से मेरा टेबल का अच्छा खासा लुक आया तो आई हैव नो कंप्लेन क्योंकि ये जो वाइनल था उतना ज़्यादा कोई महंगा नहीं था एज आई रिम्बर ये कुछ एक सौ पैंतीस का था तो मुझे लगता है फुल्ली पैसा वसूल हो गया मेरा तो मुझे कोई कम्प्लेन नहीं है अस अच्छा और फिर उसके बाद में है ना दूसरे दिन उमर का मीटिंग था स्कूल में अभी उमर का जो स्कूल है ना वो सात किलोमीटर दूर है मेरे गांव से तो मैं वहां पर अपनी स्कूटी लेकर गई और बीच बीच में मेरे को ऐसे ऐसे खूबसूरत सुंदर से देखने के लिए मिल रहा था ना तो मैं रुक रही थी तो एक जगह पर यहाँ पर मैं रुकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छाँव भी थी और मुझे एक्चुअली भूख लग रही थी क्योंकि दोपहर का टाइम था तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुकी मैंने थोड़ी बहुत स्नैकिंग की आस का नज़ारा वगैरह इंजॉय किया और फिर उसके बाद में मैं घर पे आ रही थी यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर इस तरीके के फूल थे ये देखो ये पर्पल वाला मेरे बुरके के साथ में भी मैच कर रहे हैं और उमन मेरे साथ में आया नहीं एक्चुअली उनके स्कूल में है ना यू नो अवेयरनेस अवेयरनेस फैलाने के लिए एक टाइप की मीटिंग थी कि बच्चों को अगर कोई परेशान कर रहा है अगर को कोई सता रहा है तो उस चीज़ से रिलेटेड इस तरीके की मीटिंग थी देखोगे ना तो आपको खड्डा दिखाई दे रहा है ये तो इस तरीके का जो खड्डा होता है ना मेरे जो रूवर होते हैं ना जंगली वाले वो आते हैं और रात के टाइम पर यहाँ पर ऐसे मतलब क्या कहेंगे इसको लेटते हैं हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं उसको लोलते हैं और फिर उसके बाद में इस वजह से ऐसा खड्डा हो जाता है बाकी ये जगह बहुत ज्यादा सुंदर है यहाँ पर फूल देखो कितने खूबसूरत तो वाले फूल भी खिले हुए हैं तो अभी मैं यहाँ पर से अपना मैंने खाना पीना कर लिया है और अभी मैं यहाँ से जाती हूँ तो मैंने बहुत अच्छा टाइम बिताया खुद के साथ में अकेले में और फिर आते समय मुझे हमारे ब्रिज के ऊपर ये किंग फिशर दिखाई दिया जिसने नीचे जंप कर लिया था अगेन बहुत सारी बर्ड्स वगैरह दिखाई देती है जिनको मैं कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ लेकिन अच्छे से नहीं हो पाता वेल well, कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग जरूर से बताना और मैं बोलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ये थोड़ा सा सेगमेंट है जन्नत बहुत हसी जन्नत बहुत है हसी छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है हमने आँखों से देखा नहीं